हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर मोदी सरकार ने आखिरकार अपना काम कर दिया और मोदी सरकार ने पूरे देश के किसानों को राहत और तोहफा दे दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान के खातों में 10,000 रुपए की राशि को जमा करा दिया है और इसी कारण पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पूरे देश के किसानों को मोदी सरकार की यानी कि भारत सरकार की सौगात भी मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि यदि आपको यह 10,000 रुपए का फायदा नहीं मिला है तो आपको किस प्रकार से यह 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा और आपके खातों में किस प्रकार से 10,000 रुपए जमा करेगी मोदी सरकार। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम के और किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ रही बहुत ही बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में पूरे देश के किसान खुशी से झूम उठे और पूरे देश के किसानों को मोदी सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की राहत मिल चुकी है। तो मोदी सरकार ने पूरे देश के किसानों का भला कर दिया और पूरे देश के किसानों के लिए अपना खजाना भी खोल दिया है, जिसके बाद में पूरे देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है और आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही काफी हद तक उनकी पैसों की किल्लत दूर हो चुकी है और उनकी आर्थिक तंगी भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है और इसी कारण पूरे देश के किसान कुछ से झूम उठे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे देश के किसानों के खातों में अब तक जमा करा दिए हैं किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा 10,000 रुपए 5 किस्तों में और इसी कारण पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पूरे देश के किसानों को मोदी का तोहफा भी मिल चुका है। तो दोस्तों, अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत काफी हद तक जो है किसानों को फायदा मिला है और 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के जो है 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता 5 किस्तों में मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको अभी तक ये 10,000 रुपए का फायदा नहीं मिला है तो आपके लिए मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद में आप सभी भी खुश से झूम उठने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जिन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का अब तक फायदा नहीं मिला है उनको अब एक साथ ही 5 किस्तें मिलेगी यानी 10,000 रुपए मिलेंगे और इसी कारण जो है यहां पर पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने आप सभी का समस्या का समाधान किया है और कहा है कि यदि आपके खातों में यहां पर 10,000 रुपए नहीं आए पीएम किसान योजना के तो आप यहां पर करें कॉल, आपके खातों में तुरंत आ जाएंगे 10,000 रुपए और आपकी बात बन जाएगी यानी फौरन रूप से आप सभी को फायदा मिल जाएगा। ये मोदी सरकार की तरफ से घोषणा देखने को मिल चुकी है, जिसके बाद में केंद्र सरकार का एक बार फिर से पूरे देश के किसानों को तोहफा भी मिल चुका है। तो केंद्र सरकार गरीब किसानों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई थी और इसमें एक साल में कुल 6,000 रुपए भेजे गए थे और यहां पर अब तक जो है यहां पर 5 किस्तें किसानों को मिल चुकी है यानी 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को मिल चुकी है। लेकिन अभी भी ऐसे कई किसान है जिनको यहाँ पर आवेदन करने के बाद भी फायदा नहीं मिला है और दोस्तों अब उनके लिए
मोदी सरकार ने कहा है कि जब ने आप आवेदन किया है और उसके बाद में आपको एक भी किस्त नहीं मिली, और उसके बाद में जितनी मोदी सरकार यानी कि हमने किस्तें डाली है उतनी अब आपको एक साथ मिल जाएगी। यानी उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आपने शुरुआत में यानी फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किया था और उसके बाद में यदि आपको एक भी किस्त नहीं मिली है तो आपको मोदी सरकार पांचों किस्तें यानी 10,000 रुपए एक साथ ही आपके खातों में डालेगी। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको लेकर भी मोदी सरकार ने बात बता दी है, जहां पर मोदी सरकार की घोषणा के अनुसार यदि आपको फायदा अभी तक नहीं मिला है तो आपने लेखपाल या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और किसानों के पास सीधा कृषि विभाग से संपर्क करने की भी सुविधा हम दे रहे हैं। और इसके अलावा मोदी सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर इनमें से किसी भी जगह पर आपको सहायता नहीं मिल पाती है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर की भी सहायता ले सकते हैं, जिसके बाद में आपको फौरन 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जिसके लिए तीन हेल्पलाइन नंबर है, जहां पर पहला है पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर, जहां पर यहां पर देखने को मिलता है हेल्पलाइन नंबर 1555261। और दोस्तों यदि आप इस पर बात करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है और आपकी शिकायत सुनने के साथ ही फौरन आपके खातों में 10,000 रुपए मोदी सरकार भेजती है। और इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर भी है जो कि 1800115566। और दोस्तों इस पर भी आप अपनी यहां पर मदद ले सकते हैं मोदी सरकार से और फौरन रूप से 10,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा लैंडलाइन नंबर है, जहां पर लैंडलाइन नंबर में दो है, पहला है 01123381092, इसके अलावा 2338240101। और ये दो लैंडलाइन नंबर है जहां पर भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तुरंत रूप से यानी फौरन रूप से आप 10,000 रुपए का फायदा सीधे अपने खातों में डीबीटी के माध्यम से मोदी सरकार से उठा सकते हैं। ये मोदी सरकार की तरफ से घोषणा देखने को मिली और इसी कहानी पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरे देश के किसानों को मोदी सरकार का तोहफा मिल चुका है। दोस्तों इस प्रकार से ये किसान सम्मान निधि योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी मिले और वह भी यहाँ पर इस योजना का फायदा उठा ले और अपने खातों में 10,000 रुपए की धनराशि ले। और साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और साथ ही किसान योजना के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।